ठीक है जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सीख रहे थे हम लोग? हीट टॉपिक्स थर्मल फिजिक्स सीख रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में अभी तक हमने क्या सीखा है? थर्मोमेट्री सीखा है, कैलोरीमेट्री सीखा है, उसके बाद केटीजी सीखा है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट प्रोसेसेस हो गए। अब हम कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन की बात किए थे कल, ग्राफ उसको याद रखेंगे। कितने कौन से प्रोसेस होते हैं, कंप्रेशन कौन सा होता है, एक्सपेंशन कौन सा होता है, हीट एडिशन कौन सा होता है, हीट रिजेक्शन कौन सा होता है। जनरली आपको बोर्ड में तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको स्पेसिफाई कर देते हैं कभी कभी मेंस लेवल में, कौन सा हीट एडिशन प्रोसेस जो होता है कौन सा होता है, आइसोथर्मल होता है, एडियाबेटिक होता है, या फिर इस तरह से आइसोबारिक होता है, ऐसा करके। आइसोबारिक आइसोकोरिक तो होगा नहीं, आइसोथर्मल एडियाबेटिक में ही होता है, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन आदमी को हो जाता है। एक्सपेंशन वाला एडियाबेटिक लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, एक्सपेंशन वाला तो एडियाबेटिक ही होता है जी, मैं ही गलत हो गया अभी देखो। ओके, सो हीट एडिशन की बात करेंगे तो वो आइसोथर्मल होगा, हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल होगा, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एडियाबेटिक होता है। ओके, ये याद रखेंगे अच्छे से, पीवी डायग्राम याद रखेंगे और उसके अलावा टीएस डायग्राम उसका याद रखेंगे। ठीक है जी, एंट्रोपी की बात कर लिए थे तो क्या होता है, ऑर्डर मेजर ऑफ रैंडमनेस। ओके, या डिसऑर्डर, बेसिकली कोई भी प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि एंट्रोपी बढ़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप पानी लो और उसमें जैसे कि अंडा आमलेट बनाते हैं, समझ गए, आमलेट में क्या होता है, आमलेट में आपने नमक डाला, फिर हल्दी डाली, फिर मिर्ची उर्ची डाला, ऐसे रोटेट किया तो पूरा क्या होगा, मिक्स हो गया। तो अब अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या वापस से वहीं पे आ सकता है सारा का सारा नमक, सारा का सारा? तो वही होता है, रैंडमनेस में हमने डाल दिया तो कोई भी प्रोसेस करें वो बढ़ता ही जाएगा। अब फिर इधर से भी करेंगे तो और रैंडमनेस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, समझ गए? तो वही बात होती है। अब जैसे कि मान लो कि डिफरेंट कल्चर के, ग्लोबलाइजेशन हो गया, डिफरेंट कल्चर हो गया, सारे पीपल मतलब कि आप ग्लोबल विलेज की तरह इधर एक स्टेट के दूसरे स्टेट में, एक कंट्री के दूसरे कंट्री में, एक रिलीजन के दूसरे रिलीजन के बीच सब रहते ही है। अब ये जो फैल गया है तो ये रैंडमनेस, अब कितना भी गवर्नमेंट कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश करना ही मुश्किल है। फिजिक्स का लॉ ही है भाई कि एक बार हो गया रैंडमनेस तो इंक्रीज ही होता जाएगा, अब बढ़ना घटना नहीं है, वापस से रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। वापस अब सोच सकते हैं को आदमी को पुट कर दे हम आदि मानव वाला इरा में, भले अब ख़त्म होने के बाद जा सकता है आदि मानव वाला इरा में, अब तो नहीं जाएगा भाई, अब तो आदि मानव बनेगा तो मार्स पे जाके बनेगा, सही है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हम कार्नोट साइकिल में पढ़ रहे थे, कार्नोट इंजन में। कार्नोट क्या बोला था कि कोई भी डिवाइस जो गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वर्क करेगा उसका एफिशिएंसी जो है कभी भी कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, समझ गए? सो नो इंजन कैन गिव, नो इंजन कैन गिव higher efficiency than Carnot engine. Carnot ने एक इंजन बनाया, वो hypothetical इंजन था, इसको ध्यान रखेंगे hypothetical, ओके, कोई रियल में होता नहीं। तो समझा कि कंप्रेस करते हैं इंजन में क्या होता है, जैसे नो कोई भी हम लोग डीजल या कार बाइक की बात करते हैं तो क्या होता है, जनरली डीजल की बात करते हैं ना, तो डीजल की बात करते हैं तो पहले वो एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है, एयर को लिया और उसके बाद उस एयर को बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करता है, इतना कंप्रेस कर देता है कि उसका एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपने देखा था ना कि क्या है, कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, समझ गए? तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि उसमें फ्यूल अगर नॉजल से स्पार्क करते हैं एटोमाइज करके तो अपने आप क्या होता है, बर्न हो जाता है फ्यूल। जब फ्यूल बर्न हुआ तो और एनर्जी रिलीज हुआ, और एनर्जी रिलीज हुआ तो ये फ्यूल एडिशन होता है हीट एडिशन करने के बाद, और उसके बाद वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बर्न होते हुए एक्सपेंड करेगा, फिर उसके बाद फुली एक्सपेंड होगा। ओके, तो ये होता है पावर स्ट्रोक, जब एक्सपेंड करता है पिस्टन, एक्सपेंड करता है पिस्टन तो क्या होता है, वो पावर स्ट्रोक कहलाता है।
जब फुली एक्सपेंड कर देता है तो जो जो एग्जॉस्ट गैस होता है उसको बाहर निकाल देता है, तो बाहर निकाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये वापस से ये क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है जी। वापस से एक्सपेंड किया, फिर ये वाल्व ओपन होता है, दूसरा वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व होता है ओपन होता है, फिर पिस्टन इधर आता है, सारे एग्जॉस्ट को काउंट निकाल देता है, फिर यहाँ पे एयर सक करेगा, फिर इसको साइकिल चलते रहता है। सो बेसिकली ये डीजल इंजन नहीं है। कार्नट इंजन की बात करेंगे तो कार्नट ने क्या किया जी, कंप्रेस किया, कितना एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये क्या होगा, इसने अज्यूम किया कि एकदम एक्सट्रीमली फास्ट हो, बिल्कुल टाइम ना मिले कि हीट को एक्सचेंज कर पाए सराउंडिंग के से, ओके। सो उस केस में क्या होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ। एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करेंगे तो इसमें प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फिर इसमें हीट ऐड किया आइसोथर्मली। आइसोथर्मली हीट कैसे ऐड करेंगे, मान लेते कंप्रेस किया, फिर सिलेंडर को मतलब कि जो हॉट जो है मतलब कि सब्सटेंस, हॉट सब्सटेंस उसके साथ कांटेक्ट में लाए और आराम आराम से उसको हीट दे रहा है, अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड कुछ भी फ्लूड, उसको आराम आराम से कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट दे रहा है, समझ गए। सो उसमें क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे फैलेगा थोड़ा थोड़ा, फिर अगेन जो एक्सपेंशन होगा तो ये क्या हो गया, हीट ये पावर स्ट्रोक जनरेट करेगा, फिर से ये कहानी ऐसी आ जाती है, ठीक है जी। सो इसको आगे डिटेल में हमें पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में, यहाँ पे नहीं पढ़ते। डीजल इंजन, एटकिंसन साइकिल, रैंकिन साइकिल, पेट्रोल इंजन, ये सब सारा ऑटोमोबाइल में पढ़ना पड़ता है। सो आगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लोगे, होपफुली सब लोग लोगे तो पढ़ोगे ही, ओके। यहाँ पे कार्नोट की बात करेंगे तो सिंपल ये क्या है, हाइपोथेटिकल इंजन के इसने एक एजम्पशन किया जिसमें कहा कि कोई भी इंजन अगर एक्चुअल में वर्क करता है गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए तो उसका जो है इफ़िशेंसी इस इंजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन जो था एडियाबेटिक था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो था वो क्या होता है, आइसोथर्मल है, ठीक है जी। अब इसमें इफ़िशेंसी जो है इसका याद रखेंगे, इफ़िशेंसी जो होता है बेसिकली क्या होता है, इफ़िशेंसी हमेशा याद रखोगे आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या होता है, वर्क होता है डिवाइडेड बाय हीट गिवन, हीट गिवन, ओके, वर्क माइनस सॉरी वर्क ओवर हीट गिवन, ओके। सो बेसिकली आप डिटेल में नहीं जाएंगे, आप जो है यहाँ पे याद रखेंगे वर्क बाय, अगर मान लो कि हीट गिवन को Q1 बोलते हैं तो वर्क बाय Q1 लिखेंगे, और ये होता है आपका 1 माइनस T, 1 माइनस T2 बाय T1, सॉरी 1 माइनस T2 बाय T1, बोलो हाँ या ना, ओके। वर्क डिवाइडेड बाय हीट इनपुट Q1 होगा, मतलब कि अगर मान लो ये इंजन है आपका तो इंजन क्या करेगा, ये हायर टेम्परेचर T1 से हीट लिया है Q1 और थोड़ा सा वर्क किया है, और फिर जो है रिमेनिंग हीट जो है ये लोअर टेम्परेचर T2, लोअर टेम्परेचर T2 पे दे दिया। ये है सोर्स, ये है सिंक। सो ये देखो यहाँ पे ये Q2, ये हो जाएगा आपका Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, बोलो हाँ या ना, ओके। इसको नोट कीजिए,
हो गया। सो कार्नोट इंजन ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसमें क्वेश्चन कैसा होता है सिंपली देखो। एफिशिएंसी ऑफ, अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये याद रखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 120 या 227 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हायर टेम्परेचर T1 क्या हो गया, 227 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 227 प्लस 273, इट मीन ये कितना हो गया, 224 केल्विन, 500 केल्विन। और T2 की बात करेंगे, लोअर टेम्परेचर होता है ये 27 डिग्री सेल्सियस, इट मीन 27 प्लस 273 300 केल्विन। सो एफिशिएंसी विल बी 1 माइनस T2 ओवर T1, सो इट मीन ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 5, दैट इज 2 बाई 5, दैट इज 40%। बोलो हाँ ना। सो अगर इसमें ही क्वेश्चन दे देगा कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 27 डिग्री एंड 227 डिग्री सेल्सियस, इफ 1200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू इंजन, देन कैलकुलेट वर्क प्रोड्यूस बाय हीट। ओके, इसमें ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका। इफ 1200 जूल हीट इज गिवन टू इंजन, इसमें क्वेश्चन है, इन एवब मेंशन प्रॉब्लम, मेंशन प्रॉब्लम, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, इफ 1200 जूल हीट इज गिवन टू इंजन इन एवब मेंशन प्रॉब्लम, देन कैलकुलेट द वर्क डन बाय इंजन, हीट रिजेक्टेड बाय इंजन। ओके, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे जी, इफिशियंसी क्या होता है डब्ल्यू बाय Q1 हीट गिवन, और हीट रिजेक्टेड क्या होगा Q2, तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे ना हम। W की बात करेंगे तो इफिशियंसी इंटू क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। इसमें ही देखो तो वर्क डन की बात करेंगे तो ये जो होगा Q1 इंटू एटा, एज एटा इक्वल टू क्या होता है W बाय Q1, ऑल्सो आप क्या लिखोगे Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, या Q2 की बात करेंगे तो Q1 माइनस W, गिवन Q1 जो है आपका क्या है 1200 जूल, इफिशियंसी आपने काउंट किया था कितना 2 बाई 5, सो W इक्वल टू हो गया 2 बाई 5 इंटू 1200, दैट इज कितना हो जाएगा जी 240 हो गया, 244 जूल। और Q2 हीट रिजेक्टेड की बात करेंगे, हीट रिजेक्टेड Q2 तो ये हो गया आपका
कितना हो जाता है 1200 माइनस 480 7 20 जूल। हो गया, समझ गए इसको। चलो हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एन इंजीनियर इंजीनियर क्लेम दैट he made constructed an engine whose efficiency is 60% when engine works between temperature 127 degree Celsius and और 727 degree Celsius। ओके, कैसे करेंगे इसे? क्वेश्चन को टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिंपली आपको चेक करना है मैक्सिमम इफिशियंसी जो होगा, कार्नोट इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी जो हो सकता है, जो कि कार्नोट इफिशियंसी होगा अगर कोई भी इंजन जो है 127 डिग्री सेल्सियस टू
720 डिग्री सेल्सियस वर्क करता है तो कितना हो सकता है मैक्सिमम इफिशेंसी, कार्नट इफिशेंसी होगा। देखो यहाँ पे T1 की बात करेंगे तो 7 T1 हाइयर टेम्परेचर होता है बेसिकली 273,000 हो गया जी। और ये T2 की बात करेंगे तो 127 प्लस 273 400 केल्विन। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी एन कार्नट जो होगा वो क्या हो सकता है 1 माइनस T2 बाय T1। सो ये हो गया आपका 1 माइनस 1000 ना। सो ये 1 माइनस 2 बाय 5 दैट इज 3 बाय 5 दैट इज 60%। इसका मतलब क्या है 60% जो है रेंज में आ जाता है तो इंजीनियर का क्लेम जो है राइट हो जाएगा। अगर 61% भी होगा तो वो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ओके समझ गए। इसको ही अगर मान लो 60 की जगह 69 बोल दिया देन या 60% आ रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा 69 कर लो उसको 60 को 69 कर लो तो यहीं से कंक्लूजन मिल जाएगा। एज इफिशियंसी इज लेस देन इफिशियंसी ऑफ कार्नट देन अ स्टेटमेंट इज फॉल्स या क्लेम्स इज आप यहीं पे लिख सकते हैं फॉल्स क्लेम। सिक्सटी नाइन कर दिया 60 को ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 69 कर दिया। ओके तो इससे ज़्यादा आपको एक क्लियरिटी मिलेगा 60% पे तो सही हो जाएगा। 60 से कम अगर 50% बोलेगा एक्चुअल में ये तो मैक्सिमम होता है बेसिकली कोई भी इंजन की बात करते हैं तो अगर 40% भी इफिशेंट होता है ना कोई सिस्टम पावर प्लांट या कोई इंजन जितना हम हीट जनरेट करते हैं जैसे कि इंजन में फ्यूल बर्न करके अगर उसका 40% भी वर्क में कन्वर्ट कर देता है पावर हमें देता है तो हम मानते हैं बहुत बढ़िया इंजन है बहुत ही बढ़िया माना जाता है। जनरली 20-25% ये सब चलता है वहाँ पे जो थर्मल इंजन का यूज़ करते हैं ऐसे इंजन का। तो हो गया समझ गया इसको बोलो। चलिए तो ये हो गया जी इसको मिटा रहे हैं। देखो इसको याद रखेंगे कार्नट इंजन में इफिशेंसी क्या होता है 1 माइनस T2 बाय T1 और Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 लिखेंगे। Q2 हीट रिजेक्टेड होता है Q1 हीट गिवन होता है हमेशा इफिशेंसी में लिखेंगे वर्क बाय हीट इनपुट। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास होंगे मॉड्यूल में बाद में डिस्कस करेंगे अभी थ्योरी पोर्शन जल्दी से कर लेते हैं। ओके सो अभी हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के रिगार्डिंग। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर और एसी चलो ठीक है जी। रेफ्रिजरेटर क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर या एसी क्यों चाहिए हमें बताओ। गर्मियों में ही चाहिए ज़्यादातर गर्म प्लेस पे क्या है हमारा काम क्या ठंडा रखे भाई टेम्परेचर कम रहना चाहिए ठंडा रखे। अगर एसी लगा हुआ है तो यहाँ पे अगर लगा होता है तो एसी का काम क्या है टेम्परेचर कम टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर एसी बंद कर देंगे फिर तो टेम्परेचर ऊपर ही आ जाता है तो एसी काम क्या करता है ठंडे प्लेस से हीट को निकालता है और गर्म प्लेस बाहर इन्वायरमेंट में डालता है समझ गए। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काम क्या है ठंडे प्लेस से लो टेम्परेचर से हीट लेते रहना और हाई टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करते रहना समझ गए। सो रेफ्रिजरेशन या एसी की बात करेंगे तो उसका काम बेसिकली क्या है लो टेम्परेचर को सोर्स बनाता है और हाई टेम्परेचर को सिंक बनाता है। और इंजन क्या करता है हाई टेम्परेचर को सोर्स बनाता है लो टेम्परेचर को सिंक बनाता है। ओके सो रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन लो टेम्परेचर
टू फॉर सिस्टम सिस्टम या फॉर इन ए रीजन compared to outside the region. चलो जी, refrigerator की बात कर लेते हैं जी. refrigerator क्या होता है, इसका काम क्या है जी? ये ठंडा वाला जो है T1, ये source की तरह होगा, T2 होता है ना, यहाँ से हीट लिया Q2 और यहाँ पर जो सोर्स है, ये सिंक होगा T1, हायर टेम्परेचर पे सिंक होता है और उसको हीट देगा, समझ गए? और इसके लिए क्या होता है, AC तो नहीं चलता है, AC इंस्टॉल कर दिए तो चलेगा क्या? नहीं ना, उसके लिए हमको बिजली बिल तो भरना ही पड़ेगा भाई. एक तो AC खरीदने में खर्चा, उससे ज़्यादा क्या होता है, उसका बिजली बिल का खर्चा, समझ गए? तो उसको हम क्या करते हैं, सेल्सियस लॉ जो था, नो डिवाइस कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, ओके, एक्सटर्नल एजेंट. तो इसके लिए ये बिजली बिल क्या है, W है हमारा, समझ गए? सो इसका मतलब अगेन हो गया Q1 इक्वल टू बिजली बिल प्लस Q2, ठीक है जी. तो यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस काउंट करते हैं, क्या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं COP, क्या बोलते हैं जी? COP. सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, किसी भी डिवाइस का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस काउंट करते हैं तो याद रखेंगे ये क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट, क्या जो आप क्या चाहते हो, ओके. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे COP तो होता है डिजायर्ड इफेक्ट और डिवाइडेड बाय इनपुट, आप क्या चाहते और उसके लिए आप क्या क्या उसको एक्सपेंस कर रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, समझ गए, क्या उस पर कर रहे हो. तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है डिजायर्ड इफेक्ट ओवर इनपुट. इसका डायग्राम बनाना है, बनाओ फटाफट, नोट कर लो जल्दी से. हो गया, बोलो.
चलो इसको हम मिटा देते हैं। सो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ जी। ये बेसिकली ये याद रखेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, वर्क डन और सॉरी हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या था कि रूम ठंडा रहे। रूम ठंडा रहे मतलब डिजायर्ड यही था ना, रूम ठंडा रहे, इसका मतलब रूम से Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है पर सेकेंड क्या होता जाए, बाहर निकलता रहे। तो डिजायर्ड इफेक्ट है Q2 और इनपुट है हमारा बिजली बिल W, समझ गए। सो W को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा भी याद रखेंगे, और ये जो होगा Q1 माइनस Q2 भी तो लिख सकते हैं, इसको याद रखेंगे लोअर टेम्परेचर T2, ये T1 माइनस T2 ऐसा भी याद रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। हो गया बच्चे, बोलो। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q2 बाय W हो गया, ये Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 की बात करेंगे तो ये T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 हो जाएगा। चलो ठीक है जी, अब हम इसको यहीं पे रहने देते हैं अभी, और इसको ये याद रखेंगे T2 ओवर T1 माइनस T2। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके हम बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अभी हम हीट पंप समझ लेते हैं और उसके बाद फिर से ये जब क्वेश्चन करेंगे तो सब एक एक करके रिकैप होता रहेगा, तो पूरा क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया ही जाएगा। ओके सो ये देखो हीट पंप, अभी ठंडे दिनों में ठंडे प्रदेश ठंडे जगह में जनरली यहाँ पर तो यूज नहीं होता है कभी, तो ठंडे के दिनों में हीटर चलाने की ज़रूरत तो नहीं होगी। वहाँ पे अभी शिमला में जाओ तो अभी भी इसके अंदर दो थर्मोकोट रहता है, फिर उसके बाद जैकेट होता है, फिर ये मफलर ये सब रहता है, फिर रजाई के अंदर रहते हैं फिर भी ठंडा लगता है, हीटर जलाना पड़ता है। ओके तो ठंडे प्रदेशों में जाओगे तो बहुत ठंडा भी लगता है, तो उसमें क्या होता है हीट पंप का काम क्या होगा हमारा, एसी के जस्ट उल्टा होता है, कमरे को गर्म रखना, कमरे को गर्म रखना। तो ये हो गया सिंक, सेम एज सिंक हायर टेम्परेचर पे होगा और रेफ्रिजरेटर जैसा ही Q1 अमाउंट ऑफ हीट जाएगा, और ये हीट कहाँ से लेगा, एनवायरनमेंट से ही लेगा। सो ये जो है आपका T2 ये सोर्स होता है, बाहर क्या होता है ठंडे का रूम गर्म होता है, बाहर आउटसाइड क्या होता है ठंडा होता है। सो ये जो है इससे जो है Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेगा ये, और इसके लिए भी हम बिजली बिल भरते हैं, समझ गए। सो इस केस में ये हीट पंप हुआ तो ये क्या हुआ हमारा डिजायर्ड इफेक्ट इसमें ये हो गया। ओके और ये हो गया आपका पिछले जो बनाए हो रेफ्रिजरेटर उसमें भी लिख लो Q2 की जगह यहाँ पे एरो बना दो, पिछले जो बनाया था रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q1 नहीं था Q2 था, अभी डिजायर्ड इफेक्ट जो है हमारा Q1 है, और इनपुट की बात करें तो W है बिजली बिल।
सो कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप क्या होगा? Q1 by W को आप COP ऑफ हीट पंप की बात करेंगे, COP ऑफ हीट पंप जो होगा Q1 by W, और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, W को Q1 minus Q2, और इसको ही हम लिख सकते हैं T1 minus T2. ओके, T1 minus T2. हो गया बच्चे? तो हीट पंप ये हो गया हमारा, इसको ध्यान रखेंगे। लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हमारा सब कुछ हो गया इसमें। अब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बच रहा है, इसमें न्यूमेरिकल के सीट लाए हो, सीट से आपके पास हीट ट्रांसफर एक स्टार्ट कर सकते हैं हम। देखो ये जो सीट्स मिला है आपको लोग को बच्चे, उसका देख लेंगे क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर पढ़ देंगे। ओके, अब जैसे हम हीट ट्रांसफ़र है, इसमें हीट ट्रांसफ़र तो अभी करवाया नहीं आपको, थर्मोडायनेमिक्स करवाया ना, NKTG। अब देखो यहाँ पे पेज 882 पे जो है हमारा ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार किस तरह से है। कहता है इफ ए सिस्टम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम देन वर्क डन बाय सिस्टम इज, कॉन्ट्रैक्शन होता है सिस्टम में तो क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर वन, ओनली वन चॉइस करेक्ट। देखो पेज 882 पे, ओके, थर्मोडायनेमिक्स में अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज टेकन फ्रॉम अ स्टेट ए एंड बी अलॉन्ग पाथ ए सी बी एंड इज ब्रॉट बैक टू ए अलॉन्ग बी डी ए एज शोन इन फिगर। द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय, नेट वर्क डन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर क्या होता है, PV डायग्राम, बताओ हाँ या ना, एरिया अंडर PV डायग्राम। तो ये एरिया कौन सा है जी, ACB DA होगा ना, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। इंटरनल एनर्जी U इज यूनिक फंक्शन ऑफ एनी स्टेट बिकॉज चेंज इन U डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। याद रखेंगे वर्क जो होता है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट आप याद रखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे, वर्क जो होता है इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, या फिर कह सकते हो वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, और इंटरनल एनर्जी जो होता है, एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा,
इज पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन. ओके, सो इसका मतलब इट इज डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, किसी भी पाथ से जाओ. ओके, डेल्टा यू क्या होगा, सेम होगा, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. ओके, याद रखेंगे जी, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. सो क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. सही है जी. अ सिस्टम परफॉर्म वर्क डेल्टा डब्ल्यू देन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज एडेड टू सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू यूनिक फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ चेंज. डेल्टा यू ही होता है, डेल्टा क्यू. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बात करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है ना जी. तो ये अगर पाथ पे डिपेंड करेगा और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो एक्चुअली ये तो पाथ पे डिपेंड करेगा ही करेगा, समझ गए. लेकिन ये क्या है, आइसोकोरिक हो, एडियाबेटिक हो, आइसोबारिक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए एन सी बी डेल्टा टी लिखेंगे. पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये समझ गए. सो तीनों में से डेल्टा यू क्या होगा, पाथ पे इंडिपेंडेंट, और डब्ल्यू और डेल्टा क्यू दोनों पाथ पे डिपेंड करेगा, डेल्टा क्यू भी पाथ पे डिपेंड करेगा. कहता है वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हैज बीन शोन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी. कहता है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विथ प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हैज बीन शोन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी. क्या होगा बताओ, पॉजिटिव इन ऑल केस, जीरो इन ऑल केस, सब साइक्लिक है ना जी, ऑल आर साइक्लिक. तो साइक्लिक में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सेम होता है. तो इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा ऑल केस. कहता है द इंटरनल एनर्जी, सिक्स नंबर क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर साइज ऑफ मॉलिक्यूल. सो इसमें कौन सा होगा, किस पे डिपेंड करेगा बताओ. प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग, सॉरी सिक्स नंबर ना, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है. मैंने पहले ही बताया है इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है. और पर मॉलिक्यूल के लिए जब हम काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ के बी टी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एंड पर मोल के लिए करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इनटू हाफ आर टी, समझ गए. ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे. कंसिडरेशन ऑफ गैस द मीन काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज. ओके, क्या कहता है, इन द कंडेंसेशन ऑफ ए गैस द मीन काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस. दिस, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंडेंसेशन जब होता है तो क्या होता है भाई, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, कंडेंसेशन में बात करेंगे तो. कंडेंसेशन की बात, सेम टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होता है तो आरएमएस स्पीड तो चेंज नहीं होगा. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होना चाहिए और यू भी चेंज, यू की बात करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगा ही होगा जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो सेम रहेगा. सात का भी देखो कौन सा आंसर है, के कीप्स कांस्टेंट, यू डिक्रीजिंग. सेवन का सी, इसको चेक करेंगे, रहने दो. नेक्स्ट एट नंबर जो है, मेरे ख्याल से कंडेंसेशन ऑफ गैस, गैस जो है के कीप्स कांस्टेंट,
नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी जब गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उतना तो फ्रीडम नहीं होगा। ओके, सो मेरे ख्याल से दोनों डिक्रीज होना चाहिए। चलो ठीक है, हम देखते हैं इसको। एट नंबर, इफ पी इज प्रेशर यू द इंटरनल एनर्जी एंड डी वी द वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑफ सिस्टम, देन बाय डिफिनीशन डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी होता है ना जी, डी क्यू इक्वल टू पी डी वी। सो डी क्यू इक्वल टू, आप इधर तो लिख ही नहीं सकते भाई, इधर लिख सकते, आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह से कर लेंगे आप। डी क्यू इक्वल टू क्या लिखते हो, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू डी यू। ओके, एलिमेंटल फॉर्म में लिखे तो इसको भी ऐसा लिखो, ये हो जाता है डी यू इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, और ये डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू और माइनस डी डब्ल्यू को पी डी वी लिखते हो। ठीक है जी, ये आ गया, कौन सा है, डी नंबर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले से ही जानते हैं हम लोग। व्हेन 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू गैसियस सिस्टम इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 40 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, तो देखो ऐड किया गया तो पॉजिटिव लेना है डेल्टा क्यू को, डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है ना, ऐड किया तो पॉजिटिव लेंगे, और ये W है इंक्रीज किया तो इसको भी पॉजिटिव लेना है। ओके, तो ये 40 हो गया, W इक्वल टू क्या हो गया, 70। आसान है क्वेश्चन। इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज्ड इन सच ए वे दैट द गैस मॉलिक्यूल्स गिव्स आउट, गैस मॉलिक्यूल गिव्स आउट 30 जूल ऑफ हीट एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वॉज 40 जूल, फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी, फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी। देखो जी बच्चे, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, कहता है कि हीट दे रहा है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल हीट दे रखा है ना, तो डेल्टा क्यू की बात करेंगे तो हीट दिया है, हीट एब्जॉर्ब करने के बदले, तो ये क्या है, माइनस 30 जूल, और वर्क भी करता है, वर्क कहता है 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस 10 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क भी क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा। ये याद रखेंगे, वर्क डन बाय या फिर वर्क डन ऑन, ओके, बाय एंड ऑन याद रखेंगे, क्वेश्चन में ढूंढते रहेंगे। गिवन आउट या गिवन इन टू, ये भी याद रखेंगे। ओके, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे आता है, बच्चे जल्दीबाजी में कंफ्यूज करके फटाफट निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, कन्फ्यूजन में दिक्कत हो जाता है। तो गिवन आउट मतलब कि सिस्टम से हीट बाहर गया, निगेटिव लेंगे, गिवन इन मतलब कि गिवन टू सिस्टम, पॉजिटिव लेते हैं। अब वर्क डन ऑन गैस बोल रहा है तो इसका मतलब निगेटिव वर्क डन होना चाहिए। और जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वाज 40 जूल, कहता है यू इनिशियल था 40 जूल, तो यू फाइनल क्या होगा बताइए। ओके, सो इसका मतलब पहले तो यहाँ पे देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, सो डेल्टा यू जो हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये हो गया माइनस 30 जूल और माइनस माइनस 10, तो ये हो गया आपका, और डेल्टा यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 40 जूल इधर, और ये हो गया आपका कितना हो गया, माइनस 20 जूल, सो ये हो गया यू फाइनल कितना हो गया बताओ तो, 40 माइनस 20 दैट इज 20 जूल। समझ गए, बोलो हाँ या ना, आ गया। नेक्स्ट है, ए गैस इज कंप्रेस्ड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आगे बढ़े जी बोलो। गैस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम फिफ्टी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू ए वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब। ओके, एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड टू द गैस बाय हीटिंग,
इट्स इंटरनल एनर्जी इज, इट्स इंटरनल एनर्जी इज, क्या कहता है जी, एनर्जी ऑफ 100 जूल इज एडेड टू गैस, हीट गिवन 100 जूल है और कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम वॉल्यूम दिस वन टू दिस वन, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन समझ गए, लास्ट वाला देखो, बस यही सब ध्यान रखना है, किसको माइनस लेना है किसको प्लस लेना है। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन क्या करा है, गैस को कंप्रेस किया, कंप्रेस किया तो सिस्टम पे वर्क करेंगे भाई, सिस्टम पे वर्क करेंगे ना, और वर्क क्या होता है जी, कहता है कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक है जी, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है, तो पी डेल्टा वी, वर्क जो होगा पी डेल्टा वी होगा, और ये क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी की बात करेंगे तो ये देखो पी जो है कितना है जी 50, और ये होता है आपका 4 माइनस 10, इनिशियल है ना, तो डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा आपका, देखो कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड मीटर क्यूब है तो जूल में ही आएगा ये, तो ये 6 हो गया और 50, तो माइनस 300 जूल वर्क डन, एनर्जी एडेड, क्यू का वैल्यू है 100 जूल, तो कहता है डेल्टा यू, सो क्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, टिपिकल क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डेल्टा यू हो गया आपका क्यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज माइनस 300, और डब्ल्यू की बात करें, सॉरी माइनस 100 है ना जी, ये 100 है, 100 माइनस 300, सो ये हो गया आपका 400, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, पॉजिटिव आया, 400 जूल से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, समझ गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वेरी टिपिकल, ये आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, ओके, नीट वाले क्वेश्चन होते हैं, और कभी आसानी पूछना होगा तो ऐसा पूछा जाता है, ऐसा नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। हाँ, आगे 13 में एडियाबेटिक चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज टेक्स प्लेस स्लोली एंड सिस्टम इज इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग, मैंने बोला एडियाबेटिक सबसे फास्टेस्ट, आइसोथर्मल सबसे स्लोएस्ट, ओके, तो चेंज टेक्स प्लेस क्विकली एंड सिस्टम इज इन गुड थर्मल कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, थर्मल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है ना जी, इंसुलेटेड होगा तब ना, थर्मल कॉन्टैक्ट में होगा तब क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा ना, टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ओके, तो इंसुलेटेड होना चाहिए और क्विक होना चाहिए, समझ गए, सिस्टम इंसुलेटेड होना चाहिए, और जो है कंप्रेशन और एक्सपेंशन अगर आइडियल है तो इनफाइनाइटली क्विक होगा, वेरी फास्ट होता है उसमें, सो चेंज टेक प्लेस क्विकली एंड सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द डी नंबर, देखो सही है क्या, देख लो आंसर चेक कर लो, मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं, गलती नहीं होगा, अब इसमें गलत होगा तो आंसर ही गलत होगा, ओके ओके, सो ये नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन एडियाबेटिक प्रोसेस से पूछा जाता है, सारा कुछ मैंने लेक्चर में बताया था आपको, तो चलो एक बार फिर से रिकैप हो रहा है हमारा, बहुत अच्छा है, इन एन एडियाबेटिक चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर तो होता ही है, एंड टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, ऐसा थोड़े ना जी, टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है ना, देर इज नो हीट ट्रांसफर बट टेम्परेचर में वेरी, सी नंबर, सिंपल सी बात है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक चेंज, कौन सा नहीं चेंज होगा जी, टेम्परेचर भी चेंज होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है, ओके। 16 नंबर की बात करेंगे, 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली हीट फ्लो विल बी, एक्सपेंड हुआ है आइसोथर्मली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड हो रहा है, तो मतलब बाहर से हीट दिया तभी तो, तो ये क्या है, हीट फ्लो विल बी फ्रॉम आउटसाइड एटमोसफेयर टू गैस, समझ गए, बोलो आए ना, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस
फॉर आइसोथर्मल चेंज, पी वी इक्वल टू क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है ना, ए नंबर 17 नंबर, ये सिंपल टिपिकल जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होते हैं। एडियाबेटिक चेंज में क्या बताया था जी, बताओ, टी वी गामा माइनस वन, टी वी गामा माइनस वन क्या होता है, कांस्टेंट, ये प्रूव करवा दिया था। एडियाबेटिक चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज अकॉर्डिंग टू लॉ, ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, बताओ हाँ या ना, नहीं, P गामा और T गामा माइनस वन होगा, D नंबर देखो मैंने ये तो डेराइव कराया है ना आपको, D नंबर है, D ही होगा ना, D है या B है, अरे भाई एक बार चेक कर लो, मैं उससे ही गलती हो रहा है क्या, क्या बताया था बताओ जी, पी वी गामा, नहीं अगर कोई दिक्कत होता है तो कंफ्यूजन है, मान लो कि याद नहीं है तुमको, तो ऐसा कर लेते हैं, पी वी गामा कांस्टेंट, अब पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो ये हो गया आपका क्या है, टी पी चाहिए ना हमें, टी पी है ना, तो वी इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी बाई पी, हाँ ये सिंपली आ जाएगा P, और ये V की जगह क्या है, T by P का गामा पुट कर देंगे, तो ये हो गया C, और ये हाँ P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट ऐसा कर लेगी, ओके ठीक है जी, बोलो हाँ है ना, नोट करना है तो कर लो इस मेथड को। For an adiabatic expansion of perfect gas, the value of delta P by P is equal to, the value of delta P by P is equal to, okay, ठीक है जी, आज कितना तारीख हो गया, अरे रे रे 10 तारीख तक ही ख़त्म करना था ना, तो अभी हीट ट्रांसफ़र ही बच रहा है ना, दो क्लास चाहिए, आज शाम कर लेंगे क्या हीट ट्रांसफ़र, शाम को, अच्छा लेकिन एक बजे के बाद तो छुट्टी है, चलो देखते हैं मे बी रिकॉर्ड करके या फिर कल आओगे तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्रैक्टिस करोगे, देखो सारे जो है थ्योरेटिकल करेक्टरिस्टिक्स मैंने सारे डिस्कस किए हैं, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट सारे, मतलब कि इस न्यूमेरिकल जो सीट में होगा आपके उसको लेकर ही किया है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा ये परफेक्ट नहीं होगा, सो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट होगा। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते, अभी तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, दो तीन दिन बढ़िया से सीट को प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो होगा आपका केटीजी बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके बस आप लोग थोड़ा सा पंक्चुअल रहिएगा अगर वीडियो पे भी आते हैं तो, ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे रहने देते हैं, थैंक यू।